है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये समझा रहा था अभी कि ना, हम जो है इसको एंड को मल्टीप्लाई के से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको, ठीक है, डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको जो है किससे करेंगे, डेसिमल सिस्टम से करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, मैंने मैं म्यूट किया था। चलिए ठीक है, मैं अभी एक मिनट ठहरिएगा, मैं इधर पार्टिसिपेशन में जाके लिंक कॉपी कर दूँ एक दफ़ा दोबारा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत इजी है इसको, तो आप मल्टीप्लाई भी करते हैं जैसे डेसिमल में करते हैं ना, हालांकि है ये बाइनरी, लेकिन अभी हम जो है ना ये थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के लिए ये करेंगे कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल में आंसर आता है वो आउटपुट आ जाएगा, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि एंड जो है वो टेबल, वो दो चीज़ें इसमें देखी, एक तो ये कि इसका सिंबल जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आपके मैंने उसी पे पेज पे दे दिया ना, ये देखें। ठीक है, व्हाट्सएप का जाइए ग्रुप लिंक फॉर दिस क्लास। अच्छा, ये क्लास कौन सी है, ये आपकी है 913। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऑफिस मोहम्मद उसामा। अच्छा, ये जो है फिर हम इसको देख रहे थे, तो अब हमने दो चीजें देख ली, एक तो ये पर हमें पता चली है एंड होता है। ठीक है, नंबर 1 एंड क्या होता है, गेट होता है। क्यों गेट होता है, इसलिए होता है कि आईसी उसके ऊपर मतलब बेस करती है, इंटरनली कैलकुलेशन करता है। ऑपरेशन बुलियन होता है, बुलियन का मतलब है अलजेब्रा में हमारे पास डेसिमल में कितने नंबर होते हैं, 0 से 9 होते हैं, सारे नंबर उसी से बनते हैं। ठीक है, सारे नंबर जितने भी आपके पास नंबर होंगे तो वो बनेंगे कैसे, वो इस तरीके से बनते हैं कि जो भी आप नंबर कॉम्बिनेशन दे रहे होते हो, फॉर एग्जांपल ये मैं नंबर ले रहा हूँ, ये किससे बना है, 0 से 9, ये डेसिमल का हो गया। लेकिन जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो अब नंबर ही 2 है वहाँ, तो हम क्या करें, सही है। तो अब जो है वो हम इस तरीके से ही बन सकते हैं या कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहली बात तो ये कि एंड जो है वो हमारे पास एक गेट होता है जो हमारे पास क्या करता है, उसके 2 रूल होते हैं। एक रूल 1 ये होता है कि अगर 0 0 है तो 0 हो जाएगा, सही है, यानी कि एक भी 0 आ जाए तो 0 हो जाएगा, या तो आप ऐसे याद कर लें या सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लें। अब जो है हम इसका आउटपुट लिख देंगे, क्योंकि 0 से हमने मल्टीप्लाई 0 से कराया तो 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, 1 से 0 को मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, और 1 से 1 को करा तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वो आंसर हो गया। ठीक है, और गेट कैसे बन गया, गेट के अंदर एंड का जो वर्ड था उसके अंदर जो डी था, डी हम अलग लेके आए, एक एरो इधर बना दिया एक्स का और 2 जो है
इसके ए बी के बराबर। तो हमारा इस तरीके से क्या कंप्लीट हो गया, एंड गेट कंप्लीट हो गया। अब जिन लोगों को ये बात मेरी एंड गेट समझ में आ गया है, वो लोग जो है ना फोर लिख के बताएं कि बिल्कुल सही समझ में आ गया। एडम ने लिख दिया और नशीमा ने लिखा है और हाफिज मोहम्मद उसामा ने लिखा है, अब्दुल हमीद ने लिखा है और शबीर ने लिखा है और खालिद अजहर ने लिखा है। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपल सा एंड गेट है। इसके अंदर एंड गेट क्या होता है कि आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया करें, शबीर मल्टीप्लाई से भी आंसर आ जाता है। 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करो तो 0, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद जो 1 0 0 और 1 1 1, यानी ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये गेट बन गया हमारा। एक गेट हमने समझ लिया और कर लिया ना, तो अब जो है वो ये कहने का मतलब है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो अगर जो है वो आप इस तरीके से देखो, सही है, और गेट करके, सही है, तो और गेट वैसे तो आपको यहाँ से यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, इसकी इमेजेस भी आ जाती हैं। ये देखो ये सारा और गेट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था शायद, ये जो थोड़ा एरो की तरह हम लोग जो है वो बना रहे होते हैं ना। अब इसमें से कोई भी जो है वो इमेज पहले आप इसको स्टडी कर लेते हैं। लेट सपोज ये है, ठीक है, ये मैंने देखें और गेट को कर लिया। अब एक बात तो ये बनेगा ऐसे, सही, बीच में उन्होंने और भी लिख दिया। अच्छा, इसमें प्लस आता है ना। अब जैसे लेट सपोज मैंने इधर आपको एग्जांपल जो भी मैंने दी है, सही है, ये मैंने दी है किसकी, और की। अब मैं देता हूँ एंड की ना, तो एंड भी हमें जो है वो क्लियर हो जाए, एंड गेट की एग्जाम्पल का। असल में बहुत सारी चीज़ें ना सिंपल पिक्चर से ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये और गेट हो गया, और ये जो है हमारे पास ये वाला गेट, ठीक है, ये वाला गेट हमारी जो है इसकी एग्जांपल है एंड की, ये मैंने जो है ना बड़ा कर लिया है। अब इसमें इन्होंने एक्स नहीं दिखाया है, हमारे एग्जांपल में क्या था, हमारी एग्जांपल के अंदर एक्स था आउटपुट, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सीधे सीधे जो है वो वाई कर दिया, लेकिन बात एक ही है, बात एक ही। अब देखो इसके अंदर वही हो रहा है जो कि अभी हमने किया था, कि अगर एक भी जीरो आ जाए तो जीरो, अभी मैं एंड ही आपको पहले बता रहा हूँ, तो 0 0 का 0 हो गया, 0 1 का 1 हो गया, 1 0 का 0 हो गया, क्योंकि एक जीरो आ रहा है यानी मल्टीप्लाई हो गया, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 1 का ये इसमें जीरो नहीं आ रहा, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करता है तो 1 आ जाता है। तो वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये मैंने आप पहले ही कहा था ना कि ये क्या है एक्चुअली, कि एंड जो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपके पास जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, आप देख लो सिंबल भी आप चेक कर लो, सिंबल क्या है वो डी वाला है, यानी मैंने आपको ये कहा था कि ये डी वाला इधर निकाल के लिए दो एरो ए और बी के बना दें और एक आउटपुट का बना दें, सही है, एक्स का या वाई का, तो ये बन गया। अब अगर ये वाला जो है आपको गेट क्लियर हो गया है, तो दोबारा 3 लिख के बताएं मुझे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब जो है वो हम सीधे सीधा और गेट भी पढ़ लेते हैं, सही है। तो और गेट जो है वो आपसे क्या कहता है, और गेट जो है वो कहता है कि लॉजिक तो वही है, सही है, लॉजिक जो है आपके पास चेंज नहीं है, लॉजिक सिंपल 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 वही है। ठीक है, अब इसमें
ये अलग है। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला जो है ना, देखो ए बी आउटपुट। अच्छा यहाँ पे इन्होंने अब एक्स भी नहीं लिखा ना वाई लिखा आउटपुट, तो ये आप समझ लो कि ये जो है हम ऐसे एक बात तो ये जो है ना हमारे पास। अच्छा ये नॉर का आ गया, नॉर का आ गया, हमें और का दे गया ना, ये और का है, नॉर और में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अभी जब मैं समझाऊंगा तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है ये वाला, लेकिन ये मैं इमेज जो है वो बड़ी करके लेके आना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलो इसी के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इमेज है। अब देखो ए बी और वाई आउटपुट है ना, तो इसमें पहले चेंज तो ये आ गया कि यहाँ पे प्लस आ गया, सही है। प्लस का क्या मतलब, प्लस से अब हम समझेंगे, जैसे हम एंड को डॉट से समझे थे ना, ए डॉट बी, ठीक है ये डॉट आ रहा था, अब क्या आ रहा है, अब प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस आ गया। और उसके साथ सही है, उसके साथ ये भी है आपके पास कि आप इसको ठीक है। अच्छा ये एंड, ठीक है ये हमारे पास, इसको भी क्लोज कर दो, ये हमारा सेट है। तो ये हमारे पास एंड का, बस आप ये देख लें कि डॉट आ रहा है और यहाँ पे जो और के अंदर प्लस आ रहा है, एक बात ये हो गई। दूसरा ये कि एंड का जो सिंबल था, ठीक है एंड का जो सिंबल था ये डी की तरह, यानी यहाँ से ये गोल है, एक डी बनाया हमने, लेकिन ये क्या, ये एरो की तरह है, सही है ये जो एरो की तरह है, यानी ये यहाँ पे स्ट्रेट होता है, एंड जो है वो स्ट्रेट होता है, और डी यानी हम ये डी बना रहे होते हैं और ये स्ट्रेट नहीं होता, यहाँ पे जो है आप इस तरीके से जो है वो एरो की तरह बना दें। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखने के लिए मैं आपको जो है वो वहीं पे लेके चलता हूँ, हमारी जो स्लाइड है, ठीक है इसका आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो है ना प्लस करेंगे, तो प्लस ही करवाएंगे, पहले क्या था मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो इसलिए हमने डॉट लगाया था, 0.00, 0.1, 0.10 और 1.11, वो डॉट था, क्या था एंड डॉट होता है। ठीक है, अब प्लस का करवाते हैं और का, तो और का ये सिंबल तो मैंने अभी आपको बता दी कि सिंबल ऐसा बनेगा, ठीक है एरो की तरह बनेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो है प्लस करेंगे हम, देखो 0+0, वैसे मैं आप जनरली पूछ रहा हूँ, ये फर्ज करें हम डेसिमली में कर रहे हैं ना, बाइनरी में नहीं कर रहे हैं। 0+0 आपको बोलो जमा करके बताएं, तो आप बोलोगे 0, आंसर तो 0 है। अच्छा फिर 0 में जब हम 1 जमा करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, फिर 1 में जब 0 जमा करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और 1 में जब 1 जमा करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर 2 आता है, लेकिन हम किस में डील कर रहे हैं, हम कर रहेंगे बाइनरी के अंदर, तो 1+1 यहाँ पे 1 ही रहता है, ये आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पे 1 क्यों रहता है, क्योंकि वो 1 0 हो जाता है, तो 1 0 हम इधर नहीं लगाते थे, तो सिर्फ ये वाला चेंज है, 1+1 हमारा डेसिमल होता तो 2 आ जाता, लेकिन ये बाइनरी का है तो 1 रहेगा। तो ये क्या है, ये प्लस से हो गया, 0+0 0, 0+1 1, 1+0 1, 1+1 1। ठीक है, अब आप लोग जो मेरे साथ हैं या सुन रहे थे मेरी बात, वो 2 लिख के बताएं कि कितना समझ में आया, क्योंकि एडम, हमजा, रुमैस, नशीमा, शावेर, शेब, उसामा, अब्दुल रहमान, शहरियार, ठीक है इबादुल्ला, ठीक है, तो ये सब ने जो है ना मुझे आंसर दे दिया, गुड। अच्छा अब जो है वो ये वाली बात हो गई, तो अब जो है वो बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बनाने के लिए पहली बात तो ये कि ये इसको पहले कंप्लीट करते हैं कि ये वाला जो है ना, अगर ये आ जाता हमारे पास तो हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट करो ये और का होता, सही है ये और का होता और ये एंड का नहीं होता, ठीक है तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो पहली बात तो ये कि यहाँ पे इसको, ठीक है अब हमें ना एरो की तरह बनाना था ना, तो पहले तो ऐसे बना देते हैं, ठीक है उसके बाद जो वो क्या करते हैं वो ऐसे बनाने करते हैं, कुछ ऐसे बना देते हैं, चलो तो नहीं बना ऐसे, ऐसे बना देते, ठीक है ये एरो बन जाता। अब ये आप बोलोगे कि ये एरो कैसे बन गया, तो ये जो है ऐसे बन जाता ना, ठीक है ये हमारे पास जो है वो, ठीक है ये क्या बन गया, ये एरो बन गया। अब एक लाइन जो है ना यहाँ से लगा दो, ठीक है एक लाइन यहाँ से लगा दो, ये ए और बी की हो गई, ठीक
और एक जो है आउटपुट बना दो। अब आपकी मर्जी, इसको एक्स को, वाई को, या आउटपुट, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास। और अच्छा, अब ये यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट प्लस से करेंगे, क्यों है, इसलिए कि ये और है तो ये प्लस आएगा। तो 0 + 0 हमें पता है क्या होता है, 0 ही होता है। 0 + 1 को हम जब करते हैं तो 1 हो जाता है, 1 + 0 करते हैं तो 1 हो जाता है। 1 + 1 हमारा तो 2 होता है, लेकिन बाइनरी में वो 1 ही रहता है, लेकिन ये आगे हम कैलकुलेशन करेंगे कि ये 1 2 है। अब अगर क्लियर है तो आप जो है सब जो है वो 6 लिख के बताएं। सही है, सही है। हाँ गुड, तो ये हमारे पास जो है ना दोनों गेट हो गए। अब आता है बात, अब जो बात आती है वो आती है इन्वर्टर की। सिंपल सिंपल नॉट को इन्वर्ट कहते हैं। इन्वर्ट का मतलब ये होता है कि आप जो भी नंबर है, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो ये बड़े काम का गेट है, भी आपको पता चलेगा। इसी गेट से हम बहुत सारे और गेट बना लेते हैं। नॉट है, अब देखो जिसमें इनपुट एक ही होगी, क्यों, इसलिए होगी कि भाई जो भी आ रहा है उसको हमें इन्वर्ट तो करना है। तो अगर ये है तो ये इन्वर्ट हो गया जो है ना, अगर 0 आया तो 1 हो जाएगा, 1 आया तो 0 आ जाएगा। अब आप देख लें इधर, सही, यहाँ पे ए पे 0 आया, ये वाला इन्वर्ट था तो 1 हो गया, और फिर 1 आया तो 0 हो गया। तो इसका सिंपल ये वर्क है कि ये इन्वर्ट कर देता है वैल्यूज को ना, इन्वर्ट कर देता है, यानी कि 1 होगी तो 0 कर देगा और 0 होगी तो 1 कर देगा। ठीक है, तो अच्छा अभी जो है वो को बनाने का जो तरीकेकार है, बनाने का तरीकेकार ये है कि आपके जहन में एक सिंपल ट्राइंगल होना चाहिए, और वो ट्राइंगल भी ना बिल्कुल सही वाला ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब ये उसमें ये ना हो, यानी एरो की ना सिंपल, जैसे ये एरो होता है ना, इस तरीके का एक ट्राइंगल होता है, और एक आप सर्कल बना देते हो उसके आगे बिल्कुल मिला हुआ ना, और फिर उसके आगे जो है एक एरो बना देते हो, ये आपका आउटपुट है, और एक जो है वो पीछे से आपका जो वो इनपुट आ रहा होता है, ये ए हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर का सिंपल। अक्सर बेशतर हम क्या करते हैं, खाली सर्कल भी लगा देते हैं, अभी हम करके देखेंगे उससे जो है। तो अब जो है वो जब भी इसको 1 मिलेगा तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, और जब 0 मिलेगा तो 1 कर देगा। तो इट इज कॉल्ड इन्वर्टर, या नॉट कहते हैं इसको। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आप जो है, अच्छा इसमें इसलिए बी क्यों, इसलिए नहीं है, ये जाहिर बात है ना, ये हमारे एक ही उसके ऊपर इनपुट पे वर्क करता है ना, इसका तो काम सिर्फ है एक इनपुट मिले उसे इन्वर्ट कर दो। सही है, ये 2 के ऊपर वर्किंग ही नहीं करता, ये तो खाली एक 1 होता तो 0 कर देता और 0 होता तो 1 कर देता, और इसका हम यूज ही इसी जगह से करते हैं कि एक ही इनपुट पर लगाते हैं, इसलिए कभी भी इसके अंदर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। सही है, 2 इनपुट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा अब ये वाली भी बात हो गई, अब जो है वो हमारे पास ये इन्वर्टर हो गया, तो 0 अगर 0 मिला ए पे, यानी इधर 0 आया, ये देखो 0 आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 0, तो इसने 1 कर दिया, और यहाँ पे फर्स्ट करें आप 1 आता है, तो आउटपुट क्या करते हैं, तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, जिनके इन्वर्टर या नॉट समझ में आ गया है तो वो ऐसा करें, 2 लिख दें, 2 लिखें और बताएं कि आ गया या नहीं आया, अभी तो खाली हमने सिंबल ही बनाया है। ठीक है, ये काम देखिएगा, ये दोहराइएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब आपका पेपर बनता है तो उसमें से ये गेट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गेट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो है वो, अगर पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस अगर हो जाती हैं तो फिर तो नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं होती तो उस वक्त जो है वो इतना टाइम नहीं होता। अच्छा एक लॉजिक मैं आपको बता दूं, जो जिनको नंबर लाने होंगे ना, उनको अभी भी ये ज़रूर करना होगा कि उन्हें ये समझ के तैयारी करना होगी कि पेपर जो है वो ऑनलाइन नहीं है। अगर पेपर अगर ऑनलाइन हो भी जाता है, अभी पता नहीं कि क्या हालात होते हैं। ठीक है, सुना था स्कूल खुले शायद फिर दोबारा 9 10 का, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है मुझे, कि ऐसी एक सुनने में आई थी बात, खुले थे 9 10 के, लेकिन वो जो है कंटिन्यू पता नहीं हो या नहीं हो। अगर कोई अपडेट है तो आप लिख के बता दें किसी के पास। तो इसमें ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है।
यूनि ओपन होती है तो अच्छी बात है। तो ये जो है हमारे पास, इसमें हम देख रहे थे जो मेन चीज थी वो गेट्स की, भी हम बात कर रहे थे। तो हाँ, मैं जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बोल रहा था, हाँ 9 और 10 की हो गई है, लेकिन बस एक सुनने में आया था कि शायद वो हुई थी तो किसी वजह से अभी इतनी सक्सेस नहीं हो रही ना। एक तो यार, एक बिल्कुल आपकी ओपनली होती है बात के जी, खुले में आपको जाना ही जाना है। अब यहाँ तो मतलब कभी कुछ सुनने में आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अभी हालात जो है वो एकदम से नॉर्मल तो नहीं है ना। वो तो आपको पता है कि कितनी तेजी के साथ जो है वो इस वक्त, अल्लाह रहम करे सबके साथ, लेकिन कितनी तेजी के साथ जो है वो डेथ्स वगैरह हो रही है अभी भी, जो जानने वालों को सुनने में आ रहा है। पीएफ की सिटी कैंपस के अंदर 2 दिन के अंदर ना, जो एक तो बेचारा वहाँ पे वो थे चौकीदार थे, उनका इंतकाल हुआ, और एक वहाँ पे टीचर थे हमारे जो पीएफ की का। अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या हालात होते हैं, सही है एकदम से। और ये भी पता नहीं क्या नई नई कसम है कोई, ये चेस्ट को तो छोड़ ही नहीं रहा, जरा सा देखता बंदा वीक है तो जाते ही नहीं है। खैर अल्लाह रहम करे। अच्छा ये जो है हमारे पास, इसके अंदर जो सिलसिला है वो ये है कि आपने अगर ऑनलाइन होती है ना, तो अगर नंबर, हाँ LMS पे आपके पास कुछ शो नहीं हो रहा। आप क्लास, अगर आप इस क्लास के अंदर हो 913 के अंदर, तो ये रहा लिंक, ये मैंने जो है इसको इधर जो है वो सेंड कर दिया, सही है। तो ये है ज्वाइन चैट मेरे पास तो हो रहा है। देखो ये लास्ट वाला लिंक है, ये जाना ये वाला व्हाट्सएप, इसके ऊपर आप जाओगे तो हो जाएगा। चलो फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं, मैं सेंड कर दूंगा। तो ऑनलाइन का वहाँ बस सिंपल से, आप मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि बार बार ये डिस्टर्ब हो रही है बात ऑनलाइन वाली। ऑनलाइन की एग्ज़ाम की तैयारी अगर हो जाती है आपकी, तो इस सूरत के अंदर करनी है आपने तैयारी ना ऑफलाइन की इतना करनी है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि आपके पास ऑनलाइन में ना टाइम नहीं होता। आप ये समझते हो कि अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि उसी वक्त जो है वो ओपन करते हैं, सही है, सारी बुक्स वगैरह ना बिल्कुल टच नहीं करता, और उसी वक्त उन्होंने बोला 1 घंटा और भी ज़्यादा दे दिया जाता है ऑनलाइन में, तो आराम से कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा टेंस हो जाते हो उस वक्त कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उस वक्त जो है, अगर आपने पहले से बैठ के पढ़ के नहीं बैठे होंगे आप लोग, तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा अब जो है वो बात ये करते हैं कि नैंड एंड तो हमने जो है वो कर लिया, क्वेश्चन यही टाइप आता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि गेट्स आते हैं और इस तरीके के, वो हम डिस्कस करते रहेंगे वस्तन फवस्तन। अभी तो एग्जाम में टाइम है तो हम, मैं गाइड भी कर दूंगा। अच्छा ये जो है, अब आपने देख लिया कि एंड गेट है, और ये भी पता चल गया कि हमें जो है वो किस तरीके से, जो इसके अंदर अगर एक भी जीरो आ जाए तो सबके सब जो है वो जीरो हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, लॉजिकल बात है, हम बना तो खुद भी सकते हैं। मैं बोलूँ एंड को इन्वर्ट कर दो, यानी एंड के आगे ये नॉट लगा दो, तो क्या बन जाएगा? एंड के आगे हमने एंड लगा दिया तो क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। यानी अब हमने एक और गेट बनाना चाह रहे हैं, हमने बोला कि ये जो है ना गेट एंड से मिलता हुआ होगा, लेकिन क्या होगा, उसके आगे नॉट लगा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एंड तो था, ए एन डी एंड था, उसके आगे हमने एन लगा दिया तो क्या बन गया? नैंड गेट। अच्छा पिक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमने अभी सिंबल बनाया था उसका, तो सिंबल जो है वो वैसे ही बना देंगे, उसके आगे इन्वर्टर के लिए क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। तो देखो ये बिल्कुल एंड की तरह हमने बनाया, खाली एक जो है वो क्या लगा दिया, सर्कल बना दिया, तो ये इन्वर्टर हो गया। अब किस चीज़ का इन्वर्टर हो गया? ये एंड का इन्वर्टर हो गया ना, एंड का नॉट हो गया, तो क्या बन गया? नैंड बन गया। ये बात जिन लोगों की समझ में आ रही है वो लोग 3 लिख के बताएं। ठीक है, तो देखें ये कितना आसानी के साथ जो है वो हमने एक और गेट क्रिएट कर लिया, तो एंड के आगे एन लगा दिया। अब जो है मसला ये आता है ट्रू टेबल का ना, इसका बनाने का, ट्रू टेबल का। तो ट्रू टेबल जो है हम कैसे बनाए, तो ट्रू टेबल जो है अगर थोड़ा सा अगेन फिर हम लोग अगर लॉजिक यूज करें या इसको समझना चाहें,
जी सही है, बात आई है। सबको आ गई, एडम ही ने लिखा, एक तो सब बता दिया करें अगर आवाज आ जाया करे तो। जल्दी जल्दी आपने वन या थ्री जो भी लिखना है लिख दिया करें, यस कर दिया करें। ये बात अल्लाह को अभी भी नहीं आ रही। चलो सही है, मेरे ख्याल में आ गई है सबको, सभी का यस आ रहा है। तो अब जो है वो ये देखो हमने करा क्या है, मैंने ये कहा है कि आप जो है वो इन्वर्टर इस तरीके से करते हैं कि एक्स था ना, हम क्या करेंगे एक्स डैश लगा देंगे सिंपल सा। और जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही थी ना हमारे पास, सही, जो जो भी यहाँ पे वैल्यूज आ रही थी उसको क्या करेंगे, उसको यानी यहाँ पे जीरो आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको वन कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसको भी इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसको भी इन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे वन आ रहा है तो यहाँ पे जीरो कर देंगे। तो ये जो है क्या हो गया, ये हमने सारा जो ये क्या था, ये एक्स किसका था, एंड का था। जो जहाँ पे भी एंड का आंसर आ रहा था उसको हमने क्या करा, इन्वर्ट कर दिया। तो अब हमने क्या करा, एंड को नैंड करा है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो एंड था और ये अब क्या हो गया, ये नैंड हो गया। अच्छा अब हम तस्दीक करते हैं, यानी कि हम जो है कंफर्म करते हैं इस बात को कि जो हमने जो वो किया है वो क्या सही किया या नहीं किया ना। तो जब आप जो इसको इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अच्छा ये देखना, बस ये याद रखना, वन 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 है और जीरो, जितने भी वन थे वो, और जितने भी जीरो थे वो वन हो गए, और जो वन था वो जीरो, यानी कि इन्वर्टर तो हमने कर दिया ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं उसको मूव कर सकूँ, जब ये वॉक हो जाता है एक्चुअली, जब आप कुछ राइट कर रहे होते ना तो फिर जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है वो। अब देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने कहा था कि ये वाला, अब ये ट्रू टेबल किसका, ये है नैंड का। इसमें ये कह रहा है कि जो जो आपका आंसर एंड में आया था, यानी जीरो था तो यहाँ पे हमने वन कर दिया, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे वन था एंड में ना, यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया। हमने क्या करा है, नैंड जो है वो बना लिया, किससे, एंड से बना लिया, ठीक है। सिर्फ आपने करना ये है कि जो आपके पास एंड की जो लास्ट फाइनल वैल्यूज थी उन सबको जो है इन्वर्ट कर दिया, यानी जीरो को वन कर दिया और वन को जो है वो जीरो कर दिया, ठीक है। अब जो सेवन लिख के बताएं जिन जिन लोगों की समझ में आ गया, सेवन ठीक है। आप असल में ये फायदा होता है, आप देखो आप सिर्फ मेरे साथ कंसंट्रेट कर रहे हो तो फौरन आपके जहन में बात आती चली जा रही है, जहाँ आपने मिस करा, जहाँ आपका जो है ना वो कंसंट्रेशन जो है गुड। ना श्यामा ने ये नाशमिया अंसारी ने ये लिखा है कि नैंड के लिए जो पहले एंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही तो हमें आसानी है। अगर किसी को एंड आते तो उसको तो नैंड को करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसीलिए तो मैंने एंड से समझाया। आप एंड बस एक तरीके से माइंड में रख लें, नैंड आपको भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल इन्होंने सही कहा है आशमिया ने, कि ये जो है ये बहुत इजीली, तो हम जो है ना इससे किया करेंगे। अब देखो हम करने के लिए क्या जा रहे हैं, हम करने के लिए जा रहेंगे और, तो हमने कर लिया और के अंदर देखा कि हमने सिर्फ प्लस करा है तो आंसर आ गया जीरो, जीरो को प्लस करा जीरो वन। अब अगर कोई कह दे नॉर कर दो यानी कि एन लगा दो, पहली बात तो ये कि हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये कि ये और के आगे यानी और जो लिखा हुआ है ओ आर और उसके आगे एन लगा देंगे तो ये तो नॉर हो गया, पहले चेंज हमने ये किया। दूसरा चेंज ये किया, यहाँ पे जो और का सिंबल बना हुआ था हमने क्या करा, एक इन्वर्टर लगा लिया, ठीक है, ये दूसरा चेंज कर लिया। और तीसरा चेंज ये करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी जो है वो हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैंगे और को, यानी कि जीरो आ रहा था वन 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 आ रहा था, कहीं एक भी वन आ जाए तो वन आ जाता है, सही है ना। तो इसको हमने क्या करा, इन्वर्ट करेंगे। अब ये जीरो आ गया ना, तो देखो आप जो है वो नॉर में क्या कर रहे हो, वन को जीरो को आपने वन कर दिया। अच्छा सेकंड वाला क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अब आप इधर आके देखो आपने इसको जीरो कर दिया सेकंड वाले, फिर आप इसमें देखो क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और इसमें तीसरे वाले में आपने जीरो कर दिया, इसमें क्या आ रहा था, वन आ रहा था लास्ट वाले में, तो इसमें आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इसका मतलब आपने नॉर बना दिया,
नॉर का क्या मतलब है कि जो और था उसका जो आपके पास फाइनल आउटपुट था उसको आपने इन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो गेट बन गया है नॉर का। और अगर आपकी समझ में आ गया तो आपने नाइन लिखना है, नाइन। गुड, सही है। बहुत सारे बच्चे जो ना फौरन आंसर भी दे रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें जो आपको बहुत एडवांटेज है। और अगर आपने अभी समझ लिया तो आपको शायद दोबारा दोहराना भी नहीं पड़े, जहन में बैठ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है हम तीसरा वाला जो है वो ये देखने के लिए जा रहे हैं कि तीसरा वाला जो है वो एग्जॉर। अच्छा ये और तो है लेकिन इसके आगे जो एक्स जो है ना इन्होंने लगा दिया, सही है। और इन्होंने इसको क्या करा, और को जो है वो और तो रहने दिया, ये देखो और तो रहने दिया है, सही है। लेकिन एक पैरेंथेसिस, सही है, ये और था, इन्होंने और वैसी बनाया, ये और बना दिया, और के बाद उन्होंने क्या करा, एक पैरेंथेसिस ये वाला ना, यानी एक देखो यहाँ देखा आप छोटा सा मून बना हुआ नजर आ रहा है, तो इन्होंने जो है वो ऐसा डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करा था, किस तरीके से बनाया था, और हमने तो ऐसे बनाया था, सही है, ऐसे बनाया था, फिर उसके बाद जो है वो हमने ऐसे बनाया था, और फिर जो इसको रब करके, ठीक है, हमने इसको जो है वो रब कर दिया था, और रब करने के बाद जो है वो बना लिया था। इस तरीके से जो वो हमारे पास बन रहा था। लेकिन अब जो है वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो एक, ठीक है, सेम ऐसा, बल्कि ये मैं अब इससे कर लेता हूँ। अच्छा पहले और बना लेते हैं, ये हमारे पास जो है ये देखो ये और बन गया, ठीक है। अच्छा ये जो है आपके पास एक ए का हो गया, ये बी का हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो, ठीक है, ये और हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर आपने जो जोर बनाना है तो जोर के लिए क्या करो, जोर के लिए जो है वो आप देखना गौर से, जैसे पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, पैरेंथेसिस किसका होता है, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन को एंड करते हैं तो लगाते हैं, तो वो वाला पैरेंथेसिस बना दो। ये क्या बन गया, जोर बन गया, और कैसे बन गया, ये ऐसे बना, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने ये जोर बनाना सीख लिया है, सही है, और ये भी सीख लिया कि जोर के लिए हम और क्या के एक्स लगा देते हैं, सही है, तो दोनों सूरतों में आप सिक्स लिख के बताइए। गुड, गुड, सही। अच्छा तो ये हमारे पास जो है वो, अब रूल देख लेते हैं, रूल रूल इसका जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है रूल, और इसीलिए ये इन्होंने एक्स लगाया हुआ भी है, ठीक है। रूल क्या है जरा गौर से देखना, बल्कि आप चाहो तो लिख लो अपने पास। हाँ इसी मैं बता रहा हूँ ना, हाँ ये जोर है, XOR जोर कहते हैं इसको, हाँ इसी बता रहा हूँ, गौर से सुनो। हमने क्या करा, जोर एक टेबल बनाना था हमने, तो और क्या क्या एक्स लगा दिया, और यहाँ पे सिंबल के अंदर क्या करा, सिंबल के अंदर जो है वो हमने, ठीक है, ये था, और इसके आगे करा क्या है, इसके आगे खाली जो है वो हमने एक ये ऐसे करके ना, देखो ऐसे करके ये ऐसे बना दिया, तो ये खाली इस बनाने से जोर बन गया। अब रूल देख रहे हैं, इनपुट तो सब में सेम ही आ रहा है ना, इनपुट अभी तक जो भी हमने टेबल बनाए उसमें ये वाली जो चार स्टेट्स हैं ये सब की जगह, सब जगह जो है वो सेम है, ठीक है ना, ये यहाँ पे भी जो है वो सेम है, ये बस आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है। तो अब आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, अब ये जरा एक सेंटेंस आप चाहो तो अपने पास नोट कर लेना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेम जो होते हैं ना वो फॉल्स हो जाते हैं, सही है। ये अगर आपने याद रख लिया कि सेम फॉल्स हो जाते हैं तो आपको जोर याद हो जाएगा, कैसे, ऐसे कि अगर आपके पास सेम जीरो जीरो होंगे तो फॉल्स हो जाएगा, अच्छा वन वन होंगे ये भी सेम है, वन और वन, यानी दोनों इनपुट जब सेम होंगे तो भी फॉल्स हो जाएगा, अच्छा दोनों जब इनपुट से अपोजिट होंगे यानी एक जीरो होगा और वन होगा तो ट्रू हो जाएगा, और दूसरा केस में वन और जीरो होगा तो ये भी अपोजिट है तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो सिंपल जो मैंने सेंटेंस कहा है अगर आप वो याद रख लो तो आप जोर याद कर लोगे, मैंने कहा है कि सेम इनपुट्स आर फॉल्स, अगर एक जैसे आपके पास इनपुट्स होते हैं सेम तो फिर फाइनल आउटपुट जो है वो फॉल्स हो जाता है,
अगर आप जो है वो ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर ले तो मेरे ख्याल में आप फिर भूलेंगे नहीं। देखो सेम दोनों इनपुट 0 0 हो गए तो फॉल्स हो गया, दोनों इनपुट 1 1 हो गए तो फॉल्स हो गया, दोनों डिफरेंट है 0 और 1 है तो ट्रू हो जाएगा, यानी डिफरेंट के ऊपर तो ट्रू होना ही है, और 1 और 0 है तो भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये इसका रूल है। और मुझे जो है वो आपसे 2 चाहिए, अगर आपने सही समझा था। बस एक बात याद रखनी है कि जब सेम होंगे तो 0 0 होगा तो भी फॉल्स होगा, 1 1 होगा तो भी फॉल्स होगा, बाकी 0 1 1 0 जो है वो अपोजिट जो है वो ट्रू होंगे। ठीक, तो ये जो था हमारे टेबल, एक तरीके हमने जो है वो देखा, हमने क्या देखा, अब थोड़ा सा इसको जो है हटा देते ठीक है, और इसको जो है हम देख लेते। हमने देखा जी जो आपके पास सर्किट्स होते हैं उसके अंदर आईसीज होती हैं, तो वो बिलियंस बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स से बनी होती है, नॉट बिलियन बिलियन। तो उसके अंदर जो एंड होता है और होता है, तो